click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello my dear students, आज हम देखने वाले हैं basic principles governing audit. What do you mean by principles? These are the rules. If you follow it, then it gives proper results. It gives your estimated results. And if you don't follow it, हो सकता है आपका result आपने सोचा वैसा ना है, या तो vague है या तो negative है. तो auditing के भी ऐसे कुछ ना कुछ principles हैं. अगर वो आपने follow किए, तो आपका auditing एकदम proper होने वाला है. अगर वो नहीं फॉलो किए तो हो सकता है आपका ऑडिटिंग का रिजल्ट कहीं ना कहीं वेग आए. यस, वो देखने वाले हैं आज के स्लाइड में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अलग अलग टाइप के बेसिक्स प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिटिंग. अगर आप 12th स्टैंडर्ड याद करो, देर वर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग. अगर आपको याद हो तो 14 प्रिंसिपल थे जो हेनरी फयाल ने दिए थे. अगर वो 14 प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो मैनेजमेंट का सक्सेस इज फिक्स्ड, मैनेजमेंट सक्सेसफुल ही होगा. ऐसे ही ऑडिटिंग के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो ही करना है. दीज आर दी रूल्स. आपको ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करना है या फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा. दीज आर दी रूल्स, फॉलो करना ही पड़ेंगे. अगर नहीं भी किया, रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है. कुछ ना कुछ या तो आप पे पेनल्टी होगी या तो आपका ऑडिटिंग ठीक से नहीं होगा तो विल बी हेल्ड एज प्रोफेशनली मिसकंडक्टिंग द ऑडिट. यस, तो कुछ ना कुछ आप पे चार्ज आएगा. यस, वो हम देखते हैं. सबसे पहला है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. ऐसे तीन पॉइंट है पहले ही पॉइंट में. हर एक को बात करते हैं. सबसे पहले आपका इंटीग्रिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? इट मींस वर्किंग विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. जब भी आप काम करने जा रहे हो, जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो, यू मस्ट बी फोकस्ड फॉर ऑडिटिंग ओनली. समझ रहे? बीच में जब लंच ब्रेक आता है, बीच में थोड़ा टी ब्रेक आता है, वो आप ले लो, दैट्स ओके. बट जब भी ऑडिटिंग चालू, जब वर्किंग आवर्स चालू है, तभी यू शुड बी वर्किंग सिंसियरली एंड विथ ऑनेस्टी. अगर समझो काम के बीच में आप पबजी खेल रहे हो, काम के बीच में टिकटॉक बना रहे हो, दीज आर नॉट अलाउड. समझ रहे? आप कर भी रहे हो आप, तो आप इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रहे हो, आप ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे हो, आप सिंसियरिटी से काम नहीं कर रहे हो, तो आप गलत हो. यस, सेकेंड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी डिफाइंस द स्कोप, एक बाउंड्री जिसके बाहर आप नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बड़ी कंपनी में जा रहे हो, उसके डायरेक्टर से आप डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते. जनरली बीइंग एन आर्टिकल, आप डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते. आपका कम्युनिकेशन जनरली किसके साथ होता है? अकाउंटेंट के साथ होता है. बीइंग एन आर्टिकल का बात कर रहा हूँ. आपके जो बॉस होते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो डायरेक्टली डायरेक्टर के साथ बात करेगा. समझो हमको कुछ फ्रॉड मिला तो, और डायरेक्टर बाजू से जा रहा है, लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी है, उसको बाजू से अगर आप ये बोलोगे ए तेरा झोल पकड़ा है, तेरा झोल पकड़ा, अभी तेरे को पुलिस में डालूंगा, अरे दैट इज नॉट योर लुकआउट. अभी आपका एज बहुत छोटा है. समझ रहे? अभी आप बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो. तो ये चीज है, जो भी बोलने की उसका एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, जो आपके बॉस को पता है. समझ रहे? तो आप अगर डायरेक्ट उनसे वैसे बात करोगे तो नहीं चलेगा. और अकाउंटेंट से जो भी बात करनी है, वो भी आपको एक दायरे में रह के बात करनी पड़ेगी. ओनली एंड ओनली रिलेवेंट टू योर स्कोप. अगर समझो यहाँ पे मैं मेजरली स्टेटरी ऑडिट की बात करूंगा, तो ये जो स्टेटरी ऑडिट में मेनली किस पे फोकस रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड बात कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते ये अकाउंटेंट किधर जा रहा है शाम को, चलना आज मस्ती करने जाते, किधर डीजे नाइट में जाते. दैट इज आउट ऑफ द स्कोप. यू कांट टॉक लाइक दैट. यू शुड बी विद इन द प्रोफेशनल बाउंड्रीज. बाहर गए तो आप ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, आप आपके स्कोप में रह के काम नहीं कर रहे हो, तो आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो. समझ रहे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंस. ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था ऑडिटिंग की. ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है. सुनो सबकी, करो अपनी, दिमाग अपना लगाना है. इंफॉर्मेशन चाहिए तो लो, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लो. डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिसिटी नहीं पता चल रहा है, कोई प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, आप बात करो. जो जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग एचओडी बोलते हैं, उनसे बात करो, अकाउंटेंट से बात करो. चाहिए तो मैनेजमेंट या आगे जाके बीओडी से भी बात करो, नो प्रॉब्लम. आप ये सब बातों पे सुन सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले लो. अब वो क्या सच है क्या झूठ है, वो आपको इवैल्यूएट करना है. अगर समझो बिल पे कोई फेक सिग्नेचर है, तो उसका ऑथेंटिसिटी नहीं है. फेक सिग्नेचर कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि समझो पूरे वही दिन में ना
पूरा का पूरा इनवॉइस ब्लू पेन से टिक हुआ है, जो जो पूरा सीक्वेंस है ब्लू पेन से हुआ है, बीच में सिर्फ एक ही इनवॉइस है, वो भी बीच का, लास्ट का नहीं, बीच का कोई इनवॉइस है उसमें ब्लैक पेन से साइन हुआ है और साइन भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। नाउ इट शोज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कंक्लूजन पे आ जाना है, बट आपको इसमें डाउट जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यू शुड बी अलर्ट एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिटिंग। जब भी ऑडिट करो, आपको अगर ऐसा कुछ भनक जा रहा है कि पहले 50 इनवॉइस दिन के ब्लू पेन से, फिर एक हाथ दो इनवॉइस ब्लैक से, उसके बाद के और 50 इनवॉइस ब्लू से ही है, तो हो सकता है कि इसमें झोलो, आई एम नॉट सेइंग पक्का ही झोल है, बट इसका इंक्वायरी करना जरूरी है, ये रिस्की आइटम है, हो सकता है इनवॉइसेस फेक हो, फ्रॉड हो, यस, तो इसमें क्या करना है आपको, और अंदर जाना है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस। सुनो सबकी, करो अपनी, आपका खुद का ओपिनियन आपका ही ओपिनियन है, योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन, नन ऑफ अदर्स ओपिनियन, समझ रहे हैं? यस, बट उसके लिए आपको ऑडिटिंग में आई नो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपको कलेक्ट करने होते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम अकाउंटेंट, फ्रॉम डिफरेंट HODs, यस, बात करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनका एक्सप्लेनेशन आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, इट्स ओके, गो अहेड विद इट, बट अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो आगे थोड़ा और ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करो, और थोड़ा डिटेल में जाओ और पता करो, ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपना ओपिनियन। यस, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड प्रिंसिपल इज कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कीपिंग सीक्रेट्स। अगर समझो आप एयरटेल के भी ऑडिटर हो और आप वोडाफोन के भी ऑडिटर हो, तो वोडाफोन में जाके एयरटेल का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, एंड एयरटेल में जाके वोडाफोन का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। अगर ये आपने किया तो आप प्रोफेशनली नेग्लिजेंट गिने जाओगे और आप पे हैवी पेनल्टीज आ सकती है, और हो सकता है कि आप लाइफ टाइम ये जन्म में CA का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका COP छीना जाएगा, इंस्टीट्यूट आपसे COP छीन सकता है अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी लीक किया तो। CA एक्ट करके एक एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, उसमें अलग अलग शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 और 2, उसमें बोला गया है कि आप क्या क्या चीज़ें करोगे तो उसको बोला जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हो। उसमें वन ऑफ द पॉइंट इज, अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी लीक किया, आपका COP छीना जाएगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप ये जन्म में एज अ CA कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते, यस, इतना बड़ा सजा है। इसके लिए आपको चीजें अपने तक ही रखनी है। यस, वोडाफोन का जो जो काम है वोडाफोन कंपनी में आप बता सकते हो, अगर वहां पे कहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो। एयरटेल का जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, जो जो आपने झोल ढूंढे हैं, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ढूंढे हैं, वो एयरटेल में डिस्कस करो, बट एयरटेल का प्रॉब्लम्स वोडाफोन में आप नहीं ला सकते, और वोडाफोन का प्रॉब्लम्स आप एयरटेल में लीक नहीं कर सकते। दो ही जगह है जहां पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, एक तो या तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या कोई तो लॉ ने बोला है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्वायरी बिठाना है, कुछ डाउट गया उसके तहत, तो वो आप कर सकते हो। यस, पहला क्या, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर कुछ पूछा कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने पूछा तो आप बोल सकते हो। सेकेंड इज, अगर समझो कंपनी का ओनर ही बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तेरे को जिधर यूज करना है यू कैन यूज इट, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली दूसरा केस, जनरली कंपनी बोलेगा नहीं कि मेरा इन्फॉर्मेशन जिधर चाहिए उधर लीक करके दे, तो इन शॉर्ट बचता एक ही है। अगर कोई गवर्नमेंट बोल रहा है या तो स्टेट्यूटरी लॉ बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना ही पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बैंक में अकाउंट है, क्या कोई और जाके पूछेगा आपके पासबुक के लिए तो बैंक वाला देगा क्या? ऑब्वियसली नो। बट वही अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा आपका बैंक अकाउंट, तो उनको देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डन बाय सम स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज लॉ, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस, तो ये था आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ लीक करने का नहीं। योर थर्ड पॉइंट इज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। ये ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट कौन करने वाला है? एक प्रोफेशनल बंदा। ऑडिटिंग कैसा है? एक प्रोफेशनल काम है। एक प्रोफेशनल काम जब एक प्रोफेशनल बंदा करेगा तो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस चाहिए। डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, स्टेटरी ऑडिटर बनने के लिए आपको CA का डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में COP, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए, उसके साथ आपका कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स भी चाहिए। आपका नॉलेज, आपने आर्टिकलशिप में सीखा है, आपने जो थियोरेटिकल नॉलेज लिया है, वो सबको मर्ज करने आना चाहिए। कहाँ कहाँ कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ कौन से लॉज एप्लीकेबल है, ये सब पता होना चाहिए। एंड यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ,
मतलब क्या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सब भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे? तो he must be having skills and competence for auditing. Next one is work performed by others. What do you mean by work performed by others? देखो आप CA हो, आप statutory auditor हो, आप भगवान नहीं हो. हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आपके curriculum में आई ही नहीं है. For example, समझो कोई room है, अभी वो रूम प्रीमाइसिस करके एसेट में आएगा, फिक्स्ड एसेट में, लैंड बिल्डिंग प्रीमाइसिस कहीं ना कहीं आएगा. अभी उसका कारपेट एरिया कितना है वो सीए को कभी नहीं पता चलेगा. वो आर्किटेक्चरल स्टडीज जितने किया, आर्किटेक्चर रिपोर्ट जो बना रहा है उसको पता होगा, तो उसका हेल्प लेना पड़ेगा. अभी केस चालू है कंपनी पे, तो कंपनी का केस का क्या नतीजा आ सकता है, किसके फेवर में, किसके फेवर में नहीं है, ये सब सीए को शायद ना पता हो, बट वो कंपनी के लॉयर को पता होगा, समझ रहे? तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा, इन लोग के पास से आपको हेल्प लेना पड़ेगा. जहां जहां आपको पता नहीं है या जहां जहां किसी और ने काम किया है वहां से क्या करना पड़ेगा, आपको उसका काम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं आ रहा है. तो पर वो कंपनी के रिलेटेड है, वो आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक पार्ट है, लीगल चार्जेस करके आएगा, लॉयर को पे किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोग के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं. और उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये कंपनी के साथ मिले हुए हैं या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हमको ये झूठ तो नहीं बोल रहे ना, शेयर होल्डर को गुमराह तो नहीं कर रहे ना, ये आपको अश्योर करना पड़ेगा. तो यस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, देर आर मेनी थिंग्स विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सीए, विच इज नॉट नोन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो किसी और को पता होगा, कंपनी के लॉयर को पता होगा, तो लॉयर से बात करो. लॉयर के साथ बात करने में ये इवेल्युएट करो क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, पहली बात ये, और दूसरा वो जो बोल रहा है उसको नोट डाउन कर लो, इट कैन सर्व एज एन ऑडिट एविडेंस, ताकि आपने आपका जो लीगल चार्जेस है या तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी, देखो अगर लीगल चार्जेस है कोई, अगर लॉ केस चालू है, सूट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो अगर वो सूट चालू है, लीगल केस चालू है, तो हो सकता है कंपनी का कोई एक बड़ा एसेट जा सकता है, समझा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे केस चालू, तो हो सकता है आगे जाके लैंड एंड बिल्डिंग जाए, तो उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी करके बताना पड़ेगा, और वो अभी कंपनीज एक्ट में कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर इज कंपलसरी, अगर नहीं दिखाया तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉयर के साथ बात करो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हमारे हाथ से जाए, और लीगल चार्जेस पे किया तो कितना किया, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट दे रहा है, तो उसके लिए ये भी बात करना पड़ेगा. सो वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, आपको बहुत सारे ऐसे इंसानों से काम करना है जिन्होंने कंपनी के लिए काम किया है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उनका काम, बट आपको इवेल्युएट करना है ताकि आपको काम डुप्लीकेशन में ना करना पड़े, वापस ना करना पड़े. नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन. कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन हथियार क्या है पता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, हर एक एविडेंस, आपको हर एक चीज, आपने जो ओपिनियन दिया है उसका खुद तो बेस होना चाहिए. अगर समझो आज कोई कंपनी के बारे में आप बोल रहे हो कि कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता रहे, नेगेटिव ओपिनियन बोलते हैं, मतलब क्या है, कंपनी पूरा का पूरा गया हुआ कंपनी है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन झूठे हैं, सारा कुछ झूठा है, डेटर फेक क्रिएट किए हुए हैं, सेल्स इनवॉइस रॉन्ग बनाए हुए हैं, टैक्स बचाने के लिए अलग अलग एक्सपेंडिचर क्रिएट किए, फेक एक्सपेंडिचर, तो ये सब आपको पता चला और आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिया, आपने वो सब पेपर नहीं लिया, आपने वो सब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स नहीं लिया, और आपने ऐसे नेगेटिव ओपिनियन दे दिया, कल उठ के कंपनी आप पे उल्टा केस करेगा मानहानि का, कि इन्होंने हमारा नाम खराब किया, इनके पास एविडेंस ही क्या है कि हमारे कंपनी में बराबर से काम चालू नहीं है, समझ रहे हैं? इन शॉर्ट, दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सीए को करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करना है, नॉट ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सारे ऑडिटर, आप आगे जाके सेक्रेटोरियल ऑडिटर बनोगे तो क्या कंपनी ने बराबर फाइलिंग किया है क्या, डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स बराबर है क्या नहीं, MOA AOA बराबर से है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भी चेक करना है. तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख लो कोई भी प्रोफेशनल, डॉक्टर भी रहेगा तो देखो कितना सिस्टमेटिकली फाइल मेंटेन करता है आपका, कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन, ताकि कोई भी इफ्स एंड बट्स में ना रह जाए, सारे के सारे एविडेंस आपके सामने. Yes, and that is backed by SA 230. There are different standards on auditing, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बोला था, there are different standards on auditing, जिसमें से SA 230 is all about
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाला है। यस, अभी के लिए समझो ऑडिटर को क्या करना है, प्रॉपरली खुद का काम डॉक्यूमेंट करना है। जो जो एविडेंस है उसमें आपको जो डाउटफुल या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कैसे लग रहा है, या तो डाउटफुल लग रहा है या तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेना है, उसका फोटोकॉपीज लेना है। जेरोक्स नहीं बोलेंगे, जेरोक्स एक्चुअली वर्ड नहीं है, कंपनी का नाम है। आपको फोटोकॉपीज लेना है और वो फाइल में क्या करना है, फाइलिंग कर डालना है, दैट बिकम्स योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज ऑडिट प्लानिंग। ऑडिटिंग के डेफिनेशन में सबसे पहला पार्ट क्या था, इट इज अ सिस्टमैटिक वर्क। सिस्टमैटिक मतलब क्या, जिसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होगी, जिसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा, एंड दैट इज नथिंग बट प्लानिंग। ऑडिटिंग कभी भी प्लानिंग के बिना होता है नहीं। अगर प्लानिंग करना भूल गए, मतलब आप कहीं ना कहीं फेल होने वाले हो। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। और एक प्रोफेशनल काम है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर ने आप पे भरोसा रख के बोला है कि आप जाओ कंपनी में, देखो बराबर से काम का चल रहा है कि नहीं, कुछ भी गलत तो नहीं चल रहा है ना। मतलब लाखों करोड़ों शेयर होल्डर ने आप पे भरोसा किया है, और ये काम आप अगर प्रोफेशनली नेग्लिजेंट मैनर में करोगे, अनप्रोफेशनली करोगे, तो कहीं ना कहीं आप वो करोड़ों शेयर होल्डर का भरोसा तोड़ रहे हो, भरोसे के साथ खेल रहे हो। तो ना हो, एक प्रॉपरली प्लानिंग के साथ हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑडिट प्लानिंग करना पड़ता है। उसके अंदर एक छोटा कंसेप्ट है कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम, जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली बनाना होता है। डे वाइज क्या क्या चेकिंग करने वाले हो, कोई भी चीज़ें छूट तो नहीं रही है ना चेकिंग में, सब आपको पहले से डिसाइड करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस कि आपको आगे जाके क्या परफॉर्म करना है, तो ये आपको करना ही है। इट इज ऑल्सो बैक्ड बाय सम एसे, दैट इज कॉल्ड एज एसे 300। यस, एसे 230 किसका था, डॉक्यूमेंटेशन का था। एसे 300 किसका है, ऑडिट प्लानिंग का है। तो ऑडिट करने के पहले ऑडिटर को क्या करना है, प्लान करना है, और उसके हिसाब प्लान के अकॉर्डिंगली चलना है। हाँ, हो सकता है 1900-2000, फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए प्लान में, रिजिड नहीं होना चाहिए कि आज के दिन पे इतना करना है तो इतना करना ही है, वो फिर मैकेनिकल हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, वो ना हो। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखना है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट एविडेंस। व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस? एविडेंस मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ पुरावा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको प्रूव करने में हेल्प करे। यस, आपको जो भी ओपिनियन देना है, दैट ओपिनियन मस्ट बी बैक्ड बाय सम ऑडिट एविडेंस, सम स्ट्रॉन्ग ऑडिट एविडेंस। अगर आप समझो कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हो, तो नेगेटिव ओपिनियन क्यों दे रहे हो, इतना क्या गलत है कंपनी में, सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि कल उठ के आप पे मानहानि का केस ना हो। यस, तो जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी ओपिनियन आप दे रहे हो, उसका एविडेंस आपको जमा करना है। दैट एविडेंस मस्ट बी सफिशियंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे आपको वर्ड दिखेगा मॉड्यूल में, सफिशियंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएटनेस? सफिशिएंसी डील्स विद क्वांटिटी, वेयर एज अप्रोप्रिएटनेस डील्स विद क्वालिटी। अगर मैं बात करूँ एक FD रिसीट, जो फिक्स डिपॉजिट का रिसीट होता है, फिक्स डिपॉजिट का इनवाइस नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट का क्या होता है, रिसीट बोलो या सर्टिफिकेट बोलो। कंपनी का बैलेंस शीट में एक आइटम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखा है FD, 5 FD वर्थ ₹10 करोड़, टोटल मिला के 50 करोड़। अभी समझो कंपनी ने आपको पांचों FD दिया, FD रिसीट बोला, FD सर्टिफिकेट दिया, बट पांचों का पांचों फोटोकॉपीज दिया, क्या ये ओरिजिनल एविडेंस से ज्यादा वैल्यूएबल है? ऑब्वियसली नो, ओरिजिनल एविडेंस हमेशा ज्यादा प्रेफरेबल है। बट इसने क्या किया, पांचों दिया बट पांचों का पांचों फोटोकॉपीज दिया। आपने पूछा ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं सर ओरिजिनल FD हमारे पास है नहीं, डायरेक्टर बाहर के कोई तो कंट्री में और उसके ट्रेजरी में लॉक करके गए हो, तो हमारे पास है नहीं, और उसने क्या किया, फोटोकॉपीज दिया। उसने सफिशियंट एविडेंस दिया, उसने पांचों का पांचों FD दिया, बट अप्रोप्रिएटनेस नहीं दिया, क्वालिटी बराबर नहीं है डॉक्यूमेंट का, समझ रहा है? सिचुएशन टू, 4 FD दिया और चारों का चारों ओरिजिनल दिया, अप्रोप्रिएट है एविडेंस बट बराबर क्वालिटी नहीं है, सफिशियंट नहीं है, समझ रहा है? तो ऑडिटर को क्या करना है, सफिशियंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट, पांचों FD रिसीट लेनी है और पांचों का पांचों ओरिजिनल लेनी है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसको बोलना है कि तू बैंक को रिक्वेस्ट करके तेरे को डुप्लीकेट दे, बैंक का ऑथोराइज करके, तो ही आप ठीक से चेक कर सकते हो, वरना वो एविडेंस ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसमें हो सकता है कुछ तो झोल हो।
समझा। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या करना है, सफिशिएंट एज वेल एज अप्रोप्रिएट दोनों ही टाइप के ऑडिट एविडेंस लेना है। जब तक आपको जितने क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंस चाहिए उतने लो, और सबकी क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एकदम बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब तक बने उतना। यस, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, उसमें जो पॉइंट है वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। इट मीन्स अकाउंटिंग सिस्टम देखना है ऑडिटर को। अगर ऑडिटर को पता ही नहीं है क्या होता है कैश कंसेप्ट, क्या होता है अक्रूअल कंसेप्ट, क्या होता है हाइब्रिड कंसेप्ट, तो ऑडिटिंग कैसे कर पाएगा? अगर उसको टैली ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, या तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में SAP करके सॉफ्टवेयर होता है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ओरेकल करके सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो अगर ये सब ऑपरेट ही करने नहीं आ रहा है तो कैसे कर पाएगा ऑडिटिंग? उसको मैन्युअली आता है, वो जर्नल लेजर ही आता है, पर उसको टैली ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। तो अगर उसको अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं पता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैसे बेसिस पे होते हैं, वही नहीं पता है, तो कैसे चेक कर पाएगा? नॉट पॉसिबल। जनरली एक CA है, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो अकाउंटिंग का ही मास्टर है, तो होना ही चाहिए। और क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उसके बारे में भी अपडेट होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मैं वापस एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने नहीं तो आपको फीचर में भी दिया था। ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप में दो कंट्रोल होते हैं, एक होता है CCD कैमरा और एक होता है गार्ड एट द गेट। जनरली गार्ड एट द गेट क्यों रखे जाते हैं? ताकि चोरी को प्रिवेंट किया जाए, वो हो उसके पहले उसको रोका जाए। कोई ज्वेलरी में से चोरी करके जा रहा है तो गार्ड एट द गेट उसको वहां पे ही रोक लेगा, और वो भी बंदूक बंदूक के साथ होता है, गन वन के साथ होता है, समझ रहे? बट अगर समझो गार्ड खुद ही मिला हुआ है चोरी में, या तो गार्ड समझो कोई XYZ रीजन से नहीं पकड़ पाया चोर को, तो CCTV कैमरा है वो डिटेक्शन के लिए काम आएगा। पुलिस कंप्लेन करनी है तो देखो ये रहा बंदा, CCTV फुटेज दिखा सकते आप, समझ रहे? व्हेन प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल्स डिटेक्टिव वर्क्स। यस, तो ये बेसिस पे आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल का भी चेकिंग करना है। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रांग उतना ऑडिटर का काम कम, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि कंपनी खुद का ख्याल अच्छे से रख रही है तो आपको ज़्यादा चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड या एरर होने का चांसेस बहुत ही कम है। बट अगर वाइस वर्सा है, मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो ऑडिटर को चेक करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उसमें झोल आपको मिले मिले, एरर मिले ही मिले, समझ रहा है? तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम को देखना है एंड इंटरनल कंट्रोल्स को देखना है, दोनों को देखना आपकी जिम्मेदारी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडिट कंक्लूजन्स। इसका आप ऑडिट रिपोर्ट भी बोल सकते हो, ऑडिट ओपिनियन भी बोल सकते हो। आपने इतना सारा ऑडिटिंग किया, ऊपर के सारे पॉइंट किए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखा, उसके बाद इंडिपेंडेंटली काम किया, दूसरों का काम भी जहाँ जहाँ आपको नहीं पता दूसरों का काम का हेल्प लिया, ऑडिटिंग का प्लानिंग किया, उसका एविडेंस कलेक्ट किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस यूज किया, अभी अल्टीमेट रिजल्ट क्या है उसका, ऑडिट रिपोर्ट देना है। आपको शेयर होल्डर को बताना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इसके बारे में आपको मेनली बात करना है। तो आपका वो क्या, उसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम में, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मेजरली स्पीकिंग, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, अभी कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वेर एज मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट में गलत है, कितना गलत है, क्या गलत है, उसके लिए जो मॉडिफाइड ओपिनियन है उसका तीन अलग फर्दर टाइप है, जो हम लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर में। अगर बहुत बड़ा गलत है एडवर्स आता है, कुछ कुछ चीज़ों में बड़ा बड़ा गलती है तो क्वालिफाइड आता है, बट हमको पता ही नहीं चल रहा है गलत है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बता रहे, मैनेजमेंट एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, तो डिस्क्लेमर आता है। ये तीनों हम देखने वाले हैं लास्ट के चैप्टर में। तो ब्रॉडली स्पीकिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या तो नहीं बता रहा है, ये टाइप का आपको ओपिनियन देना है। और ये कौन से बेसिस पे दोगे, प्लानिंग करके जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे। यस, सो दीज आर दी 9 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। आपको क्या करना है, ये 9 के 9 को, बीइंग एन ऑडिटर आपके 9 के 9 प्रिंसिपल्स को याद रखना है और फॉलो करना है। अगर फॉलो किया तो आपका ऑडिटिंग का रिजल्ट बेस्ट ही आना है। आप
पे जो शेयर होल्डर ने भरोसा रखा है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, बट अगर आप ये सबको फॉलो नहीं कर रहे हो प्रिंसिपल को, तो कहीं ना कहीं भरोसे के साथ खेल रहे हो. और नॉट ओनली दैट, आप पे लीगल पेनल्टीज भी आ सकती है बड़ी बड़ी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी लीक कर रहे हो, तो हो सकता है आपका परमानेंट COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ICAI आपसे कैंसिल करवा दे, फिर आप कभी ऑडिटिंग कर ही नहीं सकते, फिर आप ये जन्म में तो CA बन ही नहीं पाओगे. यस, सो आपको ये 9 के 9 प्रिंसिपल्स ख्याल में रखना है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से MCQs बहुत बार आता है, हर 2 में से 1 अटेम्प्ट में यहाँ से आपको एक MCQ दिखेगा ही दिखेगा. आपका जो CS फाउंडेशन का पेपर आता है पूरा का पूरा MCQ बेस्ड है. यस, जिसमें 30 मार्क, दैट इज 15 MCQs, क्योंकि हर MCQs के लिए 2 मार्क है. 15 MCQs आपका जनरली ऑडिटिंग में से आता है. यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स. प्लीज सब्सक्राइब Ekeeda चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.